गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 10th of November 2022। मार्केट इज वेटिंग फॉर USCPI डेटा आज इवनिंग में जो आने वाले हैं, एंड आल्सो द आउटकम ऑफ द मिड टर्म पोल। सो लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द ओवरनाइट, एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 110.45। बिफोर गोइंग टू एनालाइज द मार्केट, यहाँ पे सभी नए दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्रेजेंटेशन या एनालिसिस पार्ट है, ये कोई आपको बाई सेल करने का टिप देने का ये प्रयास नहीं है। यहाँ पे हम इधर बाई करो, उधर सेल करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाई करो, ये टिप प्रोवाइड करने का काम या पर्पस नहीं है। यहाँ पे मेन पर्पस है टू डेवलप ए ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द एफएक्स मार्केट। जिस ओवरऑल एनालिसिस के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा कि एक करेंसी किधर जा सकता है या किधर नहीं जा सकता है, यही प्रयास होगा हमारा ये एनालिसिस के थ्रू। डॉलर इंडेक्स आप देखोगे कि कल ये जो लो बनाया है वो प्रीवियस लो के सामने है। एज पर आवर प्रीवियस एनालिसिस, हमारा प्रीवियस एनालिसिस क्या था कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो भी बना रहा है। अभी जो एक लो बनाएगा वो जब तक इस प्रीवियस लो को नहीं तोड़ेगा तो एक ट्रेंडेड डायरेक्शन नहीं होने वाला है। So that being the case, हमारा ये इंतजार है कि क्या ये स्विंग लो को तोड़ के आपका फ्रेश लो बना रहा है या नहीं, इसी का हमारा इंतजार है। अभी एक आप देखोगे तो करंट एरिया पे 109.50 से 109.70 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन रहा है। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से क्या हो रहा है कि अभी देखोगे इसको ब्रेक करो, ये जो लेवल है 109.50 से 109.75 जोन जो है, समथिंग लाइक 109.75 दिस जोन, ये जो जोन है इस जोन को प्राइस इस जस्ट डिसाइडिंग कि मैं इसको तोड़ू या यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाऊं। अभी प्रीवियस केसेस में आप देखो यहाँ पे प्राइस आया था फिर वापस गया, उससे पहले यहाँ पे प्राइस आया था फिर वापस गया। दैट मींस व्हाट, ये जो जोन है प्रीवियसली ये सपोर्ट एरिया पर था, अभी ये सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन कोई एक लक्ष्मण रेखा नहीं है कि वहां पे आके फिर रिवर्स मोड़ना चालू करेगा। प्राइस जब तक एक लेवल को रेस्पेक्ट करेगा तब तक ही वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। दैट बीइंग द केस हमें देखना है, एज ऑफ नाउ ये आपका सपोर्ट ले रहा है 109.50 से 109.75 के जोन। सो मच, अभी आज USCPI इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये USCPI के बाद अगर आज का जो डेली कैंडल है समथिंग लाइक एक बियर कैंडल बन जाता है समथिंग लाइक दिस, इन सच ए सिनेरियो ये जो सपोर्ट होने हो पहले का है ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, एल्स थोड़ा सा प्राइस अगेन 113 ऑन द हायर साइड एंड 109.50 ऑन द लोअर साइड, इस बीच में थोड़ा इन आउट करने वाला है। अभी आते हैं डॉलर रुपी पार्ट में। डॉलर रुपी पार्ट में जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न देखा गया था जिसको थ्री बुद्धा पैटर्न भी बोलते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो एंटीसिपेटेड लेवल है वो है 80.90 ऑन ब्रेकिंग बिलो
आपका 82 लेवल्स। ये डेली टाइम फ्रेम में है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पे एक सेल ऑप्टिक्स टाइप का टेंडेंसीज बन रहा है। सो एज ऑफ नाउ हमारा एक्सपेक्टेशंस इधर है एंड ऑप्टिक में सेल करने के लिए, मींस जब भी करंटली मान लो 81.33 है, इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली जाके बेच देंगे, नो, हमें अपना लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम आपको एक एनालाइज करने के लिए कि कैसे प्राइस बिहेव कर सकता है, क्या ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटीज है या ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटीज है या ये एक साइडवेज मूवमेंट करने का प्रयास करेगा। पहले हमारा ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में मे बी ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम और 10 मिनट्स टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जिसका जो टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग में अच्छा लगता है, प्रेफरेंसेस है, दे एज पर देयर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस एक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के हिसाब से बाउंस बैक में एक सेलिंग का प्रयास कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, थोड़ा सा मींस नया जो ऋषि सुनक वाला गवर्नमेंट है उसमें एक मिनिस्टर, वन मिनिस्टर हैज रिजाइंड, सो अगेन लीज ट्रस्ट की जैसा ही होगा, क्या गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाएगा वो हमें देखना है। और कल का जो सेल ऑफ है उसके बाद एक थोड़ा सा मींस यहाँ पे क्या था आपका ये लेवल पे जब प्राइस आया था, व्हाट इज दैट लेवल, 101.1550 लेवल्स, तब हमें ये प्रयास लग रहा था कि ये जो प्रीवियस स्विंग हाई के उसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अभी हमने क्या दिखा है कि ये फेल टू ब्रेक अबोव द प्रीवियस हाई, सो देयर बाय एक फ्रेश हाई बनने में एज ऑफ नाउ इट इज अनेबल टू डू दैट वन। दैट बीइंग द केस हमें नेक्स्ट ये देखना है कि इसके लो को तोड़ना नहीं चाहिए, इसके लो को अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे जो एक कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस का एक टेंडेंसी है उसमें एक डिसरप्शन आएगा, देन प्राइस थोड़ा सा इरेटिक वे में बिहेव करेगा, हैपजर्ड वे में बिहेव करेगा। सो ऑन डेली टाइम फ्रेम हमें देखना है कि ये स्विंग लो के नीचे आज या आने वाले दिनों में इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। सो यहाँ पे हम और थोड़ा फॉर ट्रेडिंग पर्पस हम और थोड़ा व्यू बनाना है जीबीपी आईएनआर में, आप यहाँ पे देखोगे ये कंटिन्यूअसली हायर है, हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा था, उसके बाद कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, अच्छा खासा सेल ऑफ आया, उसका दो कंपोनेंट है जीबीपी आईएनआर में, एक ही जीबीपी डॉलर, दूसरा वाला जीबी डॉलर आईएनआर, दोनों ही सेल ऑफ आया। आप देखोगे रूपी में भी सेल ऑफ आया एंड जीबीपी डॉलर में भी सेल ऑफ आया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो कॉम्बाइंड इम्पैक्ट और ज्यादा सेल ऑफ। अभी यहाँ पे हमारा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो रहा था एंड उसके बाद हमारा इंतजार था कि क्या ये इस हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा तो एक अच्छा खासा ट्रेंडेड मूव हमें मिल सकता था, लेकिन कल का जो सेल ऑफ था ये थोड़ा सा ये जो हमारा जो प्रयास था सोचने का समझने का एक प्रयास था उस प्रयास में हिट किया। अभी हमें देखना है कि ये जो लो के नीचे फ्रेश लो बनाना नहीं चाहिए, दैट बीइंग द केस 92 के नीचे एक स्विंग लो नहीं बनाना चाहिए। इन सच ए केस हमारा जो ये बिल्डअप हो रहा था, एक प्रयास हो रहा था हायर हायर लो, उसमें एक डेंट आएगा एंड वी नीड टू थिंक और ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव इन सच ए सिनेरियो। यूरो डॉलर में आप देखोगे कल एक यहाँ पे सेल ऑफ आया, ये सेल ऑफ कहां पे था, प्रीवियस हाई के वहां पे, दैट इज 1.0090 पे
रेजिस्ट कर रहा है। यहां पर भी हमारा सिमिलर ऑब्जर्वेशन है, अभी जो ये हाई बनाने वाला है स्विंग हाई, क्या ये प्रीवियस हाई को तोड़ के फ्रेश स्विंग हाई बनाने वाला है या नहीं, वो हमें देखने वाला है, इंतजार है। सो और यहाँ पे आपका 1.0090 से 1.01 में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे कि हमारा कल का जो डेली चार्ट है वहां पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या ये जब एक रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या एक शार्प फॉल करेगा या कंसोलिडेट करेगा, ये हमें इसका प्राइस बिहेवियर से देखना पड़ेगा। पहले आप देखो यहां से एक शार्प फॉल आया, यहाँ पे देखो आप यहां से एक शार्प फॉल आया, यानी जैसे ही वो लेवल पे आ रहा था प्राइस नीचे की तरफ, मीन्स उसको सेल ऑफ किया जा रहा था। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि प्राइस ये नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं, या कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार कंसोलिडेट करके फिर हाई को तोड़ेगा तो हम क्या देखेंगे कि फ्रेश हाई बना रहा है या नहीं। दैट बीइंग द केस इट विल बी ए ट्रेंडेड अप मूव। यूरो आयरन में भी सिमिलरली यहाँ पे आपका देखो हायर हाई हायर लो बनाया है, अभी फ्रेश हमें इंतजार आएगा इस हाई को तोड़ता है या नहीं। अगर अनेबल टू ब्रेक अबव दिस फ्रेश हाई, इस लो को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इस लो को तोड़ेगा तो ये जो यहां से लेके यहां तक हमने जो कैलकुलेशन किया वो निगेट हो जाएगा। डॉलर येन में आपका कल एक अच्छा खासा लोअर लेवल पे सपोर्ट मिला है, आपका हर 1.4550 के 145.50 के वो एरिया पे एक सपोर्ट मिला है। अभी इसको नीचे जाना है तो जस्ट लाइक द डॉलर इंडेक्स आफ्टर यूएस सीपीआई डेटा एक नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए और इस लो को तोड़ना चाहिए। अगर ये करता है तो क्या होगा, लोअर हाई लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। इन सच ए केस हमें नेक्स्ट अपटिक का इंतजार रहेगा और लोअर टाइम फ्रेम जहां पे हम बेचने का सेलिंग करने का प्रयास करेंगे। येन आईएनआर में ये रेंज के अंदर में है 0.57 एंड 0.5 के बीच में, इस रेंज से बाहर होना पड़ेगा देन एंड ओनली देन यहाँ पे एक अच्छा ट्रेडिंग या ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। डॉलर कैंडी में आप देखोगे ये जो आपका 1.35 का जो एक सपोर्ट लेवल था पिछले 3 दिनों में नीचे था, कल एक बाउंस बैक किया। अभी बाउंस बैक के बाद हमें क्या देखना है कि ये जो प्रीवियसली सपोर्ट था एंड उसके बाद तोड़ दिया, क्या दिस इज इट गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस अगर करता है इस एरिया को 1.35 से 1.3550 के बीच में, उसके बाद फिर ये जो रिसेंट लो को तोड़ता है, देन वी मे एक्सपेक्ट 1.31 की तरफ। ऑसी डॉलर में कल सेल ऑफ आया है, जो प्रीवियस हाई को तोड़ने का जो प्रयास था वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो यहाँ पे फिर हमें और आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन कैसे बिल्डअप कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। सीएनएच में कल एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हमने देखा, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। दैट बीइंग द केस हमें इंतजार रहेगा आइदर ये हाई को तोड़े या लो को तोड़ने के बाद नीचे की तरफ जाने का प्रयास करे, ये हो रहा है या नहीं हमें इसमें नजर रखना पड़ेगा। यूके ऑयल पिछले 2 दिनों में अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, अभी ये जो सपोर्ट है कल इस सपोर्ट के ट्रेंड लाइन सपोर्ट के यहाँ पे आके रुका है। दैट बीइंग द केस आज हमें देखना है क्या फॉलो थ्रू दे रहा है या नहीं। फॉलो थ्रू दे रहा है तो हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट होगा 88.80 का एक प्रीवियस जो जहां से मार्केट मुड़ा है, यहाँ पे एक हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। तो प्राइस कल के लो के नीचे अगर कंटिन्यू करता है तो हमें देखना पड़ेगा 88.80 88.90 एरिया पे जाके प्राइस कैसे बिहेव करेगा या करने वाला है। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी कल भी अच्छा खासा आपका एक नीचे की तरफ हमने देखा है, एक बेसिकली द कैंडल जो है एक सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल बॉडी कैंडल से,
इसका जो बिल्डअप हो रहा है ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के एरिया पे बिल्डअप हो रहा है। आज सीपीआई डेटा के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं ये नीचे जाऊंगा या फिर ऊपर जाने का प्रयास करूंगा। दैट बीइंग द केस हमें दो चीज देखना है, अगर ये ऊपर जाता है तो इस हाई को तोड़ता है या नहीं, और नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे कन्विंसिंगली ब्रेक डाउन करता है या नहीं। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इन सच ए सिनेरियो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमोंग योर फ्रेंड सर्कल्स, ताकि सबको, जिन जिन को ये टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से करेंसी मार्केट को देखने का प्रयास होगा, वो लोग इस प्रयास को, प्रयास से एक बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। विशिंग ऑल ए ग्रेट डे।